हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप कैसे उसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में सभी बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं कि हम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट की सच्चाई ये है कि यहाँ 99% लोग अपना 99% कैपिटल 99 दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग में ख़त्म कर देते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर वो स्टॉक मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो लॉस में आ जाते हैं और उस लॉस को कवर करने के लिए वे और लॉस करते हैं। इसका रीज़न होता है कि स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज ना होना। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट कर सकेंगे और प्रॉफिट बना सकेंगे। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट को एक बिज़नेस की तरह लेकर चलते हैं तो आप ज़रूर प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा गेन करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपना जो कैपिटल होता है वो भी गवा देते हैं। स्टॉक मार्केट से आप कई तरह से पैसा बना सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग से, म्यूचुअल फंड से। इन्वेस्टिंग से आप किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए बाय करके पैसा बना सकते हैं, और वहीं ट्रेडिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले आपको मार्केट की थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे जैसे आपकी इन चीज़ों पर पकड़ बन जाएगी, आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है। मे बी आपको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। आपको पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग में आपके पास नॉलेज कम होती है, इसीलिए हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक्स क्या होता है। बहुत से स्टॉक्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे रिलायंस का नाम सुना होगा, MRF का नाम सुना होगा, अडानी पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा। हम इन सभी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स बेचती क्यों हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपने शेयर बेचती क्यों हैं। मान लीजिए एक कंपनी है नाइका, वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। अभी वो अपने एक स्टेट में वर्क करती है, लेकिन वो अपने आप को एक इंटरनेशनल कंपनी बनाना चाहती है। अगर आपको इंटरनेशनली ग्रो करना है, तब आपको चाहिए होंगे बहुत सारे पैसे। इसके लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेब्ट यानी कर्जा लेना या फिर लोन लेना, और दूसरा होता है अपनी कंपनी का IPO लाना। इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय एंड सेल करते हैं, उन्हें अपने स्टॉक्स बेच देती है, और शेयर्स का मतलब अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा आम पब्लिक को कंपनी बेच देती है। इसमें कंपनी के जितने शेयर्स बिकेंगे उनका सारा पैसा कंपनी को सीधा मिल जाता है। अब इस पैसे का यूज़ करके कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। अब होगा क्या कि कंपनी ग्रो कर जाएगी और उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। मान लो कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो 200 करोड़ थी और इसमें से जो हिस्सा बेचा था वो 20 करोड़ का था। मार्केट के बड़े होने पर मार्केट की वैल्यूएशन 200 करोड़ से बढ़कर अब 400 करोड़ हो गई है। अब मार्केट ने जो अपना 20 करोड़ का हिस्सा बेचा था, उसकी वैल्यू भी बढ़कर 40 करोड़ हो जाएगी। अगर आपने इसमें 20,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे तो वो भी बढ़कर अब 40,000 हो गए होंगे। अब इसमें एक बात समझ आ जाती है कि कंपनी ने अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स को बेचा और हमने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए कंपनी के शेयर्स को खरीदा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचती है और हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं। आइए आगे चलते हैं। कंपनी का IPO आता है, जैसे नाइका का IPO आया। जब आया होगा उसी टाइम पर नाइका ने डायरेक्टली आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचे हैं। एक बार जब कंपनी का IPO ओवर हो चुका है, अब जब हम नाइका के शेयर मार्केट से खरीद रहे हैं, तो अब नाइका आपको अपना शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पर आप किसी दूसरे से, दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हैं, फिर आप किसी दूसरे को बेचते हैं और वो दूसरा किसी तीसरे को बेचता है और तीसरा किसी चौथे को बेचता है। ऐसे हम एक दूसरे को ही नाइका के शेयर
बाय एंड सेल करते हैं, यानी जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तब ही वह डायरेक्टली अपने शेयर इन्वेस्टर्स को बेचती है। बाद में जब हम शेयर मार्केट से शेयर बाय करते हैं तब कंपनी शेयर नहीं बेच रही है, तब हम आपस में ही शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनी ने तो शेयर्स बेच दिए, अब हम जो आपस में शेयर्स बाय एंड सेल कर रहे हैं वो कहाँ से और कैसे कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इसी के लिए स्टॉक मार्केट बनाया गया है। इस स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज हैं, एक है NSE और दूसरा है BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ स्टॉक्स बाय एंड सेल किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ स्टॉक्स आप एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक्स बाय एंड सेल करने के लिए NSE या BSE में जाना होता है। इसके लिए ब्रोकर्स होते हैं। पहले ब्रोकर्स के हर सिटी में अपने ऑफिस हुआ करते थे, वहीं से वो बाय एंड सेल किया करते थे। आपने हर्षद मेहता की वेब सीरीज अगर देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे वहाँ पर एक्सचेंज किया करते थे, स्टॉक बाय एंड सेल किया करते थे। लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है, इंटरनेट का ज़माना आ चुका है और अभी सब कुछ हमारे हाथ में, हमारे फ़ोन में आ चुका है। हम घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें किसी अच्छे ब्रोकर के यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमेट अकाउंट आप इजीली अपने फ़ोन में खुलवा सकते हैं। उसके पास आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक की आपके पास पासबुक होने चाहिए और आपका डीमेट अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है। कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट्स हैं जैसे जरोदा है, अपस्टॉक्स है, धन है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां जाकर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करनी होती है और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम उसमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये अपस्टॉक्स की ऐप है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सभी ऐप में इंटरफेस अलग अलग हो सकता है लेकिन बाय एंड सेल करने का जो तरीका है वो सेम ही होता है। ये निफ्टी 50 है, ये बैंक निफ्टी है और जो ये आप नीचे देख रहे हैं स्टॉक और बैंक्स इंडेक्स, ये सभी मैंने बीस लिस्ट किए हुए हैं। देखिए, जैसे ही हम निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है। ये चार्ट है निफ्टी 50 का और अभी हम ऑप्शन चैन देखते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चैन यहाँ देखिए ओपन हो गई है। अगर हमें कॉल बाय करनी है तो इधर से करनी है, पुट बाय करनी है तो इधर से करनी है। 23,600 की हमने कॉल बाय करनी है तो देखिए यहाँ बाय का बटन आपने दिख रहा होगा, यहाँ आपने क्लिक करना है और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। 67 का यहाँ प्राइस चल रहा है मार्केट का, अगर मार्केट प्राइस पे आप लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ देखिए, अगर आप 67 पर नहीं लेना चाहते और 65 पर लेना चाहते हैं तो 65 आपको यहाँ डाल देना है और आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा ये यहाँ रिव्यू बाय ऑर्डर, और रिव्यू बाय ऑर्डर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ नज़र आएगा। और अभी आप देखिए आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू क्वांटिटी सभी आ चुका है और यहाँ सबमिट ऑर्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑर्डर शेड्यूल में चला जाएगा। ओके, शेड्यूल में जैसे ही आपका प्राइस आएगा 65 आएगा यहाँ पर, अभी यहाँ 67 चल रहा है, अभी 65 जैसे ही आएगा तो आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इजीली अपने फ़ोन से बाय और सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन का था इसीलिए इसका प्राइस इतना कम था। किसी स्टॉक को या फिर इंडेक्स को बाय और सेल करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले फ़ंड ऐड करना है। फ़ंड ऐड उसी अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से होगा, जो भी अकाउंट्स आपने अपने इस डीमैट अकाउंट में ऐड किया हुआ है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।